हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज है 15 अगस्त का दिन और आज के इस खास मौके पर सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस। तो आज का दिन हम एक दूसरे के साथ रहकर ही पूरा दिन स्पेंड करते हैं। तो आज के खास दिन पर अम्मी के हाथों की कीमा और पूरियां की सभी को बहुत ही डिमांड थी, मेरी फैमिली मेंबर्स को, पापा को, भाइयों को, मेरी अप्पी की। तो उसी डिमांड पर, खास डिमांड पर ये बनाया गया है आज के खास दिन पर कीमा और पूरियां। कीमा बहुत ही जबरदस्त बना है, आप सभी देख सकते हैं कि बिना लाल मिर्चों के केवल हरी मिर्च का कीमा बनाया गया है, बहुत ही कम तेल के साथ, जो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है पूरियों के साथ। और आज की पूरियां मैदे की बनी है, जो मुझे बहुत ही पसंद है इसके साथ। तो आप सभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज के दिन आप कैसे स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्या क्या करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज है बहुत ही खास दिन क्योंकि आज है 15 अगस्त और ये दिन हम सारे इंडियंस के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज के दिन मेरी अम्मी ने भी मुझे आज़ाद कर दिया है और आज पूरी फैमिली की डिमांड है कि आज उनके हाथ का कीमा और पूरियाँ खाना है। तो आज का खाना अम्मी बनाने वाली हैं, जिसके लिए उन्होंने कुकर में डाल दिया लगभग 2 चम्मच सरसों का तेल, उसे गर्म कर लेना है। यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है। प्याज, प्याज अम्मी ने लगभग डाली है 2 से 3 प्याज, जैसे कट कर लिया है। गर्म तेल होने के बाद उसमें डालना और इसे हल्का सा फ्राई करना में कलर। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन होना शुरू हुआ है। अब इसमें हम डाल देते हैं लगभग, यहाँ पर 700 ग्राम कीमे का इस्तेमाल किया है, जिसे वॉश कर लिया है अच्छे से। और आज का कीमा होने वाला है बहुत ही खास क्योंकि आज की रेसिपी बना रही है अम्मी। अब यहाँ पर डाल दिया है लगभग 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, करना है एक बार अच्छे से मिक्स। वैसे ये दिन लोग बहुत ज्यादा पतंगे उड़ा के स्पेंड करते हैं सब एक दूसरे के साथ, लेकिन मेरे घर में यही होता है कि हम अक्सर कुछ फेवरेट खाना सबका बनाते हैं और साथ में ही दिन स्पेंड करते हैं। आप लोग भी मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आप लोग 15 अगस्त को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं लगभग 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, क्योंकि आज का कीमा केवल हरी मिर्च का बनाया जा रहा है, इसलिए केवल हरी मिर्च ही इस्तेमाल की, इसमें हम लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसे डालने के बाद डाल दिया है लगभग 1/2 टीस्पून जीरा। इसके बाद डाल देना है नमक, नमक आप सभी को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना। डाल दिया है गरम मसाला, अगर आपके पास गरम मसाला अवेलेबल नहीं है तो कोई भी नॉनवेज मसाले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डालने के बाद एक बार सबको करना है अच्छे से मिक्स। और यहाँ इसके बाद हमने फिर से डाल दिए लगभग 2 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हमें थोड़ा सा फ्राई करके और थोड़ा सा इस तरह से डालना है। और देखना, आज का कीमा बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जायकेदार बनेगा क्योंकि आज का जो टेस्ट है खाने में वो अम्मी के हाथों का है। इसके बाद डालना है लगभग 1/2 कप पानी, केवल 1/2 कप पानी का इस्तेमाल करना है क्योंकि प्याज है वो ऑलरेडी पानी को रिलीज कर दी। प्याज को डालने के बाद और पानी को डालने के बाद एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब मैं लिड लगाती हूँ और इसमें लेना है हमें लगभग 4 से 5 सीटी। यहाँ पर सीटियों के बाद हमारा कीमा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो पानी लगभग इतना ही डाला था जिससे जो हमारा कीमा है टेंडराइज हो जाए और प्लस वो अच्छे से उसी पानी में भुन भी जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है और तेल पर भी उतर चुका है। चलिए इसमें डाल देती हूँ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कीमा है उसमें ना तेल ज्यादा है ना बहुत ज्यादा पानीदार बना है, बिल्कुल भुना भुना अच्छा सा बना है। तो चलिए धनिया को अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे लगभग उतार लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रख दिया था तेल, जो गर्म हो चुका है, और यहाँ पर अम्मी ने कुछ पूरियों को बेल कर रख दिया है ताकि ये जल्दी जल्दी हम फ्राई कर लें। चलिए अब एक एक करके इन्हें फ्राई करना है जल्दी से। एक एक करके हम फ्राई करते हैं पूरियों को। आज की पूरियां मैदे की बनी है क्योंकि कीमे के साथ ये वाली पूरियां बहुत ही जबरदस्त लगती हैं और मुझे आटे से ज्यादा मैदे की पूरियां पसंद है। इन्हें क्रिस्पी करके हमें फ्राई करते जाना है एक एक करके, और इस तरह से इन्हें यहाँ रखना है ताकि एक्सेस ऑयल है वो न्यूज़पेपर में ऑब्जॉर्व हो जाए। देख सकते हैं कि पूरी कितनी अच्छे तरीके से फूल गई है, बहुत ही मज़ेदार बनाया आज का खाना।
और वो भी अम्मी के हाथ का है, तो सब बेहद इंतजार कर रहे हैं जल्दी से। सबको बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है, तो चलिए अब मैं जल्दी से लगाती हूँ खाना सबके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही जायकेदार और बहुत ही जबरदस्त बना है। केवल हरी मिर्च का कीमा बना और उसके साथ मजेदार और जायकेदार मैदे की पूरियां बनी है, जो बहुत ही यमी लग रहा है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की ये रेसिपी, ये वीडियो अम्मी के हाथ की पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। तो चलिए आप सभी से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों।